वो लॉकडाउन को हल्ला हो, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे पिछली फिल्म जो अभी रिलायंस एंटरटेनमेंट पर है, एहसान के म्यूजिक पर है, सुनील पर ऑफिशियल पर है, फिल्म का नाम है गाली गलौज, अगर ये फिल्म पूरी टेकओवर की और बहुत अच्छी तरह से टेक्निकली बहुत खूबसूरत बनाई। अब हमारी आने वाली फिल्म है कॉफी विद अलोन, एक अलग टाइप की फिल्म है, अकेला बंदा इस एक्ट्रेस में, और इसका स्लोगन है कॉफी विद अलोन। ये फिल्म कैरेक्टर लेस है क्योंकि वो एक कैरेक्टर है नहीं, सिर्फ एक्टर ही है। तो ये 1.5-2 घंटे की फिल्म आ रही है जो सेंसर में जा रही है, और इसमें इंडिविजुअली डायरेक्टर उसका नाम आ रहा है, ये पहली उसकी एज ए डायरेक्टर फिल्म रिलीज होगी। वाओ शानदार। तो उसने जब ये फिल्म बनाई तो क्योंकि मैं उसकी स्पीड जानता हूँ और स्पीड के साथ साथ खूबसूरती जानता हूँ, तो वो खुद अपने काम में बहुत हैंडसम है, तो उसका हर प्रोजेक्ट हैंडसम ला कर तो हुई समझता हूँ। क्यों उसमें अगर ऐसा सचमुच हैंडसम मिल जाए, ऐसे हैंडसम नंबर 2 मिल जाए, और एक खूबसूरत लड़की मिल जाए ऐसी करिश्मा कर, तो करिश्मा तो होना ही भाई। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेसब्री से इंतजार था संगीत के चाहने वालों को, सुनने वालों को एक अच्छे एल्बम का, जो एल्बम नहीं बल्कि बम हो, म्यूजिक की दुनिया का बम हो, ऐसा टूटे कि चाहत फतेह अली खान को पता चले कि संगीत क्या है, म्यूजिक क्या है ना। तो मैं समझता हूँ कि इस गाने को, इस गाने की तमाम टीम को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ सुनील पाल, आपका कॉमेडी का दार, आप सब के लिए यही दुआ है कि आप अपने कार्य से करते रहो कमाल और धमाल। लव यू ऑल, और ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट अब आने शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत थोड़ा रोना धोना अब इंटरटेनर मांगता है देश का कोना कोना। वाह बहुत शानदार भैया, एक और गाना आपकी लिस्ट में, बतौर एक्टर बतौर सिंगर भी इसमें शामिल।